शिवा एक बड़ा भला इंसान था। वो स्टेशन पर कूलीगिरी करता था और उतने में ही जिया करता था। कई दिनों से वो एक मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहा था और इसके लिए वो हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। शिवा का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो बड़ा लालची था। एक दिन शिवा को पैसे गिनते हुए विजय ने देख लिया। क्यों भाई, पैसे गिन रहा है? कितना बचाया है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा बचा रहा हूँ। तो बचा तो थोड़ा थोड़ा रहा है, पर तेरे सपने शायद बड़े बड़े हैं। हाँ भाई, सपने तो बड़े बड़े हैं। सपने देखने में कोई खर्चा तो नहीं है, फोकट में जो मर्जी में आए देखो। वो तो सच है, पर तेरा सपना क्या है बता? मेरे कोई बहुत बड़े सपने तो नहीं है, एक छोटा सा फोन खरीद सकूं, इसलिए कई दिनों से पैसे जमा कर रहा हूं। फोन खरीदना है? अरे बाप रे, फोन खरीद के करेगा क्या? किसी लड़की वड़की को पटा रखा है क्या? अरे यहाँ चने खाने के भी वांदे पड़े हुए हैं और तू किसी लड़की को पटाने की बात कर रहा है। बस बहुत हंस लिया, अब निकल, बहुत काम पड़ा है। विजय चला गया। चार दिन बाद शिवा अपने जमा किए हुए पैसे को गिन रहा था। इन पैसों से एक छोटा मोटा फोन आ जाएगा, जाके खरीद लेता हूँ। उसने पैसे अपने जेब में रख लिए और एक मोबाइल शॉप पहुंच गया। हेलो सर। सर वो कौन है? कहकर उसने आजू बाजू देखा। आपसे ही कह रहा हूँ सर। क्या मुझसे कह रहे थे? ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और 1000 रुपए में मुझे एक छोटा सा फोन दिखाओ। ये लीजिए 1000 रुपए का फोन। थोड़ा कम नहीं करोगे? 950 दीजिए। चलो 900 रुपए देता हूँ, दे दो। उसने 900 रुपए दे दिए और फोन लेकर बाहर आ गया। छोटा है पर बड़ा प्यारा है ये फोन। मेरा फोन खरीदने का सपना आज पूरा हो गया। वो अपना फोन देखते हुए जा रहा था, सामने से जसवंत नाम का आदमी आ रहा था, उससे टकरा गया और शिवा के हाथ में से फोन जाकर नीचे ड्रेनेज में गिर गया। ये देखकर बेचारा शिवा जोर से चिल्ला उठा। ए, मेरा फोन, अभी तो खरीदा था, इतने में तेरे 100 साल पूरे हो गए। मेरा फोन, 1000 रुपए का फोन को मैंने 900 रुपए में खरीदा। सर मेरा फोन सर नाली में गिर गया। आपको पता है मैं उसे खरीदने के लिए कब से पैसे जमा कर रहा हूँ। जसवंत ने उसे दिलासा दिलाया। सुनो रोना बंद करो, छोटे से फोन के लिए ऐसे रोते हैं क्या? चुप हो जाओ, तुम तो बड़ा सरल आदमी लगते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दे दूंगा। कैसे दोगे सर, वो तो ड्रेनेज में गिर गया है ना। मैं दूंगा ना, तुम देखते रहो। फिर जसवंत ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसे हाथ में पकड़ के कहा, आबरा का दाबरा बन जा सैमसंग फोन। उसके रुमाल हटाते ही हाथ में सैमसंग फोन था। ये देखते ही शिवा दंग रह गया। ये लो तुम्हारा फोन। ये मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन मुझे दो। तुम्हारा नहीं है तो रुक जाओ। उसने फिर से रुमाल से हाथ ढका और कहा, आबरा का दाबरा आबरा का दाबरा। उसके रुमाल हटाते ही इस बार हाथ में आईफोन था। लो तुम्हारा फोन लो। अरे मेरा फोन मुझे दो ना, है उल्टा सीधा फोन क्यों दे रहे हो? ये मेरा नहीं है, मेरा छोटा सा डब्बा फोन है। डब्बा फोन है, मैं देखता हूँ। फिर से हाथ को रुमाल से ढक के, आबरा का दाबरा बन जा डब्बा फोन। उसने रुमाल हटाई। हाँ यही है, यही मेरा फोन है। ले लो, ये बाकी दो भी तुम्हारा ही है, रख लो। मेरा है? अरे मैं क्या करूँ, इनमें रिचार्ज कराने का पैसे भी नहीं है मेरे पास। रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। क्या, ये फोन मेरे सारे कष्ट दूर करेंगे? सुनो इन्हें ले जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, थैंक्स। कहकर वो वहां से चला गया। इस घटना को कुछ दूरी से पूरी तरह विजय ने देख लिया। अरे लगता है कोई बड़ा जादूगर है, उसका डब्बा फोन के साथ साथ सैमसंग फोन और आईफोन भी दे दिया। मैं भी उसे धक्का मारता हूँ, मेरा फोन तोड़ के रोता हूँ तो मुझे 2 नए फोन मिलेंगे। ये सोचकर वो जसवंत के सामने से आया, उसे धक्का मारा और अपना फोन खुद ही गिरा दिया। उसका फोन टूट गया। अरे मेरा फोन, 10,000 दे के परसों ही खरीदा था, तू नहीं मेरा फोन तोड़ा है, मुझे नया फोन दे। ठीक है रोना बंद करो, मैं देता हूँ। फिर उसने अपने हाथ में रुमाल लेकर कहा, आबरा का दाबरा। कहकर उसने रुमाल हटाई, हाथ में सैमसंग फोन था। फोन देखते ही विजय बोला, हाँ यही है, यही मेरा फोन है। यही है, पर एक और फोन भी था मेरा। एक और था, रुक जाओ। उसने फिर से अपने हाथ को रुमाल से ढका,
आबरा का दाबरा, आबरा का दाबरा। उसने रुमाल हटाई। इस बार हाथ में आईफोन था। हाँ यही है, तुम कितने भले इंसान हो, मेरे फोन मुझे दिला दिया। तू क्या नखरे कर रहा है, आया धक्का मारा और अपना फोन खुद ही तोड़ लिया। जो भी फोन दिखाता हूँ तेरा खुद का बोल रहा है। मैं क्या तुझे पागल दिख रहा हूँ? हाँ अच्छा, आब्राकाडाब्रा, आब्राकाडाब्रा। कहकर उसने विजय के बदन पे से शर्ट और पैंट गायब कर दिया। ये क्या कर दिया, मेरा शर्ट और पैंट मुझे वापस दे दे। 5 मिनट और यहाँ रुका तो वो लंगोट भी गायब कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो मेरा लंगोट गायब करने वाला है, भागो। वो डर के मारे वहाँ से भाग गया। दस तरीके आईफोन के पीछे दौड़ा तो 10,000 का फोन भी गया और बदन पे कपड़े भी गए। वो वहाँ से भाग गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।